स्टार्ट। सभापति महोदय, संगठित प्रचार न होने के कारण ऐसा लगता है कि औरों ने अन्य तरीकों से जो सफलताएं पाई हैं वे हमारी उपलब्धियों से बहुत बढ़ बढ़ कर हैं, लेकिन हमारा विचार है कि अंततोगत्वा हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और हम जनता के कष्टों को कुछ दूर कर सके हैं तथा व्यक्ति और समाज के स्थायी तथा समन्वित विकास की दिशा में कुछ आगे बढ़ सके हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसा वास्तविक और स्थायी समाज रूपांतरण, जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों की मानसिकता और दिनचर्या आती है, केवल शांतिपूर्ण उपायों द्वारा ही हो सकता है। तीसरी विचारधारा हमें महात्मा गांधी और उनके अहिंसात्मक सत्याग्रह क्रांति के जीवन दर्शन से मिली है। भारत में लोकतंत्र पर गांधीवादी विचारों और अन्य पद्धतियों की छाप अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट होते हुए भी सूक्ष्मतः अंतर्निहित है। उसने भारत को सहारा दिया है और उसे समृद्ध बनाया है। ये संपूर्ण प्रयोग स्वतंत्रता, समाजवाद और एक अत्यंत जटिल परिवेश में शांतिपूर्ण पद्धतियों को एकजुट करने का प्रयास भारत में शेष विश्व से कटकर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा विश्वव्यापी प्रचार की रोशनी में हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं लोकतंत्री समाज के निर्माण के भारतीय प्रयासों के अंतर्गत एक संगठक तत्व है। यही कारण है कि आजाद होने के बाद हमने विश्व शांति और विश्व सहयोग को भारत के उज्ज्वल राष्ट्रीय हित के रूप में स्वीकार किया है। हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत में हमें विश्वास रहा है और हम उसका कड़ाई से पालन करते रहे हैं, लेकिन क्या यह एक पक्षीय हो सकता है? आज हमारे अपने मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और हमारे देश की स्थिरता, प्रगति तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान विदेशी आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में अराजकता और अस्थिरता पैदा करने की बराबर कोशिश कर रहा है। यह स्थिति विभाजन से भी अधिक गंभीर प्रतीत होती है। आज पाकिस्तान में संकट बहुत गहरा है और उस देश के सामने जो भयावह स्थिति है उससे वह भारत पर दोषारोपण करके छुटकारा नहीं पा सकता। इस संदर्भ में दो सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि क्या हमारे समय में केवल धर्म किसी राष्ट्रवादी देश के निर्माण का आधार हो सकता है, विशेषतः ऐसी हालत में जबकि सरकारी तंत्र राजनैतिक गतिविधियों के सामान्य नियमों तथा सांस्कृतिक आकांक्षाओं के प्रति सर्वथा उदासीन हो, और दूसरा यह कि क्या किसी की वफादारी पाने के लिए बंदूक की संगीन से काम लेने की जगह किसी अन्य कार्यवाही की जरूरत नहीं है। हमने भारत में संयम और शांति से काम लिया है, हालांकि हमारे सामने खतरे थे और हमें भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः हमें अपने देश के हितों की रक्षा करनी ही होगी। कोई भी देश और विशेषतः भारत जैसा विशाल और एवं विविधतापूर्ण देश किसी
ठप्पे द्वारा कभी भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। महोदय, आज दुनिया के जिन देशों ने तरक्की की है, उन्होंने लघु उद्योगों पर सारा ध्यान लगाया और सरकारी खजानों से पैसा लगाकर बेरोजगारों नौजवानों को सहायता दी, तभी उन देशों ने तरक्की की। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको देश के अंदर बेकारी की समस्या को हल करना है, गरीबी की समस्या को हल करना है, बेकारों को काम देना है, तो इसके लिए लघु उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने इसे प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस सरकार ने आधे दिल से कोशिश की। जब देश के अंदर खेती के विकास की मांग उठी, जब देश के अंदर लघु उद्योगों की मांग उठी, हम सब लोगों ने जो विपक्ष में बैठे हैं, सभी पार्टियों की ओर से जब सवाल उठा, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश के अंदर बड़े कारखाने लगाने के बजाय इस तरफ थोड़ा सोचना शुरू किया, खेती की ओर सोचना शुरू किया, लघु उद्योगों की ओर सोचना शुरू किया, लेकिन इन्होंने इसको आधे मन से किया और जो कुछ किया, मैं नहीं कहता कि इनकी नीयत खराब थी, इनकी नीयत में कोई कमी थी, लेकिन नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी थे, जिनको योजनाओं को कार्यान्वित करना था, इन लोगों ने इसे कार्यान्वित नहीं किया। इसी सदन में माननीय जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, उसी स्थान से स्वर्गीय राजीव गांधी, जब वे इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, मुझे याद है माननीय और सभी लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा था कि यहाँ सरकारी कोष, सरकारी खजाने से जो एक रुपया हम भेजते हैं गांवों को, तो उसमें से 85 पैसे अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं और केवल 15 पैसे गांवों तक पहुँचते हैं, मुझे याद है। और राजीव गांधी ने इस स्थान पर खड़े होकर यह कहा था। महोदय, आज भी लघु उद्योगों की वही हालत है, उद्योग कार्यालय खोल दिए गए हैं, उप उद्योग कार्यालय खोल दिए गए हैं, योजनाएं बना दी गई हैं, लेकिन जो जरूरतमंद आदमी है, जो नौजवान है, जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, प्रथम तो उनको पैसा मिल ही नहीं पाता, और अगर स्वीकृत भी होता है, तो अगर 20 लाख रुपए है, तो 5 लाख या 7 लाख रुपया उनको भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को देना पड़ता है। थोड़ा पैसा मिलता है और ब्याज दर भी इतनी ऊंची कर दी है, जिससे कि रोजगार करने वाले, जो दुकानदारी करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उन पर ऋण बढ़ता ही चला जाता है। नतीजा यह होता है कि लगभग सारी की सारी सरकारी योजनाएं विफल हो गई हैं। मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूँ, देश के पूंजीपति घराने जो 20-22 हैं, ये लोग बहुत चालाक हैं। सरकार ने घोषणा की कि छोटे उद्योग धंधों पर बने हुए सामान पर हम बिक्री कर कम करेंगे, आयकर कम करेंगे, उनसे कम पैसा लेंगे, ऐसा सरकार ने कहा।
रोजगार उपसभापति जी राष्ट्रपति प्रतिवर्ष सर्वेक्षण द्वारा दिए गए रोजगार के आंकड़ों के अनुसार रोजगार वृद्धि के कार्यों से पता चलता है। स्टॉप।